तो आपका एक बार दिल से स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं दिखाने जा रहा हूं कि 2500 रुपए जो मानदेय बिहार के आशा कार्यकर्ताओं का होने वाला था, कैबिनेट में पास होने वाला था, तो इसी में एक वीडियो सामने में आया है शशि यादव का। तो सबसे पहले आप लोग को ये वाला वीडियो दिखाते हैं कि शशि यादव का क्या कहना है, कैबिनेट में अभी तक पास क्यों नहीं हुआ है, और ये जो अभी कंफ्यूजन चल रहा है क्या आशा कार्यकर्ताओं को फिर से प्रोत्साहन राशि मिलेगा, पारितोषित मिलेगा, क्या फिर से इंसेंटिव मिलेगा, क्या 2500 रुपये आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं होगा, तो उसी का पूरा खुलासा शशि यादव कर रही है इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोगों को ये वाला वीडियो दिखाते हैं। मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्टू की राज्य अध्यक्ष। बहनों, मैं बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनों से कुछ बात करना चाहती हूँ कि आज जो हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, 32 दिन का हड़ताल किया, जबरदस्त लड़ाई हम लोग लड़े, और उसी लड़ाई का परिणाम था है कि सरकार को वार्ता करनी पड़ी, और वार्ता में सरकार ने जो समझौता किया, लिखित समझौता सरकार ने किया कि 1500 रुपया बढ़ाया और मानदेय शब्द देने के लिए तैयार हुई। और तेजस्वी यादव जी जो हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं, इन्होंने गांधी मैदान 15 अगस्त को घोषणा भी किया कि हम बिहार में 1000 पारितोषिक और 1500 बढ़ा करके यानी 2500 मानदेय के रूप में बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर को दिया जाएगा। मगर अभी तक हड़ताल समाप्त हुए 2 महीना से ऊपर हो गया है, मगर दशहरा भी बीत गया, दशहरा जैसे पर्व भी बीत गए, अब दीपावली और छठ आ रहा है। और जब आप जानते हैं कि आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनों को कितना कम पैसा मिलता है और इस कम पैसे में वो किस तरह से पर्व की खुशियां मनाए, ये सरकार को सोचना चाहिए था। मगर अभी तक ये आश्वासन दे करके भी कि जल्द से जल्द हम कैबिनेट करेंगे और सितंबर माह से ये पैसा हम देंगे, मगर अभी तक कह लीजिए कि ये अब मतलब अक्टूबर लास्ट हो गया है, मगर सरकार ने अभी तक कैबिनेट नहीं किया है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द कैबिनेट करके और जो आपने लिखित समझौता किया है आशा संयुक्त संघर्ष मंच के नेताओं के साथ, उस समझौते को आप हूबहू लागू कीजिए। इसमें कहीं भी किसी भी तरह का आगे पीछे किसी भी तरह का कोई भी मतलब दूसरा शब्द हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम सरकार को से पुनः आग्रह करना चाहते हैं कि आप हम नेताओं के साथ जो आपने वार्ता किया था, आशा संयुक्त संघर्ष मंच के साथ जो आपने लिखित समझौता किया है, उस समझौते को आप हूबहू और जल्द से जल्द लागू कीजिए, जिससे कि दीपावली और छठ को खुशीपूर्वक हमारी आशा और आशा फैसिलिटेटर बहने मनाएं। और यदि अगर सरकार इसमें जरा भी आनाकानी करेगी तो हम लोग पुनः सड़कों पे उतरेंगे, सरकार को हम नहीं छोड़ेंगे। इस चेतावनी के साथ हम अपनी बात को कहना चाहते हैं। इन्हीं तमाम बातों के साथ आशा बहनों को पुनः एक बार आप तमाम लोगों को इनकलाबी सलाम करते हुए धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। तो अभी आपने जो वीडियो देखा, वीडियो देख करके आई होप कि शशि यादव की बातें सभी आशा वर्करों को समझ में आ गई होंगी। तो शशि यादव का यही कहना है कि जिस तरीके से मीटिंग में हमसे वादा किया गया था कि 2500 रुपया होगा वो भी मानदेय होगा, तो उसी तरह का सरकार कैबिनेट में पास करे, अगर कुछ भी चालाकी करने की कोशिश करती है सरकार तो उसे आशा वर्कर और उसका संघ बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर से हड़ताल पे खड़ी हो सकती है आशा वर्कर अगर सरकार चालाकी करने की कोशिश करेगी और उन्हें जवाब देगी वो भी वोटिंग में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको
उम्मीद है कब तक कैबिनेट में पास हो सकती है आशा कार्यकर्ताओं का ये मानदेय। और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सवाल पूछना हो तो। फिर कोई न्यू अपडेट आएगा आशा कार्यकर्ताओं से रिलेटेड तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल आशा वर्कर को इंतजार करना है कैबिनेट में पास होने के लिए। जब तक कैबिनेट में पास नहीं होगा तब तक आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं मिलेगा। और जितने भी आशा वर्करों के मन में कोई भी संकोच है या फिर कोई भी सवाल चल रहा है कि मानदेय नहीं मिलेगा, तो जिस तरीके से वादा किया था कि सितंबर महीना से ही सभी आशा कार्यकर्ताओं को 2500 रुपया मानदेय जोड़ कर दिया जाएगा, चाहे जितने भी महीने बाद ये कैबिनेट में पास हो। तो फिर मिलता कोई न्यू अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।